डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। मीन्स यहाँ पे ये जो एक अम्ब्रेला दिया हुआ है, इस अम्ब्रेला को कहा जा रहा है कि फ्लैट सर्कल की तरह लेके चलेंगे, और अम्ब्रेला ये सर्कल, उसके बीच में ये सेंटर, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 45 सेंटीमीटर, और इसमें 8 रिब्स दिए हुए हैं। मीन्स ये सर्कल और इसके ये 8 रिब्स हुए, मतलब ये 4 डायमीटर जो है वो सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो हमें 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें गिवन है कि रेडियस इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पुट करेंगे 22/7 इंटू 45 इंटू 45, बट यहाँ फाइंड करना है ये रिब्स के बीच का एरिया। तो हम ये पूरा जो सर्कल है उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो हम इसका निकालेंगे। द एरिया ऑफ टू कंसेक्यूटिव रिब्स आर इज इक्वल टू 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे, देन ये हमारा आएगा, ये 2 के टेबल से ये 4 टाइम और 11 टाइम कट किया, देयरफॉर 11/28 और 45 इंटू 45 इज इक्वल टू 2025। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर फाइंड हो गया। नाउ मूव फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन 11 इट इज गिवन दैट अ कार हैज 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। यहाँ पे क्या है कि हमें रेडियस गिवन है, रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 115। यहाँ पे 2 वाइपर्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय द एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, सेम वही चीज हो जाएगा यहाँ पे, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो यहाँ पे जो यहाँ ब्लेड्स दिया है वो टोटल 2 है, देयरफॉर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू थीटा एंड आर, थीटा इज 115/360 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा दिया हुआ है 25 इंटू 25। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 115 और ये 360 कट करेंगे तो ये हमारा 23 और यहाँ पे हमारा आएगा 72। अगेन हम इन दोनों को कट करेंगे, देन वी गेट 36 और यहाँ पे 11, ये फिर 2 के टेबल से जाएगा, देयरफॉर ये 18। तो हमारा कैलकुलेशन के बाद हमारा आएगा 23 इंटू 11 और यहाँ पे 25 इंटू 25, 625/7 और यहाँ पे हमारा कितना है 18, तो 18 इंटू 7। नाउ आगे कैलकुलेट करेंगे हम, तो 23 इंटू 11 इंटू 625 और नीचे हमारा 18 इंटू 7 इज 126। नाउ अगेन कैलकुलेशन के बाद हमारा आएगा आंसर 158125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। नाउ क्वेश्चन 12, हियर क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न सीप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल, सेक्टर यहाँ पे सेक्टर आया, सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर,
फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द सीप्स आर वार्ड। यहाँ हमें एरिया ऑफ सीप निकालना है जो, तो हमारे यहाँ पे सेक्टर, यहाँ हिंट दिया हुआ है सेक्टर, तो यहाँ हमें आर का वैल्यू गिवन है 16.5 और थीटा का वैल्यू हमें गिवन है 80 डिग्री। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ हम इसी फॉर्मूला पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। व्हेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 80 बाय 360 इंटू 22 बाय 7 इंटू 16.5 इंटू 16.5। नाउ इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये 4 के टेबल से ये 4 2 जा और ये 9, अगेन हम ये 3 से काट रहे हैं और इसको 16.5 हमारा हो जाएगा, 3 के टेबल से 5.5, ये फिर से ये हमारा 5.5। नाउ सॉल्व इट, 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 5.5 इंटू 5.5। अब आगे आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा ये 22 बाय 7, इसका वैल्यू हमें गिवन है कि हमें इसका वैल्यू 3.14 पुट करना था, इसलिए हम यहाँ पे ये 22 बाय 7 नहीं पुट करके यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू, ये मिस्टेक हो गया। जब भी अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको 3.14 पुट करना है तो आप पाई का वैल्यू 3.14 ही पुट कीजिएगा। और यहाँ पे हमारे ये 5.5 इंटू 5.5 इज इक्वल टू 3025। नाउ इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.28 इंटू 30.25। फाइनली आंसर इज 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम ये एरिया ऑफ सेक्टर के थ्रू इसमें ये फाइंड करेंगे, जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है उसके उसी को पुट करके हमने ये फाइंड किया। नाउ इन द 13 क्वेश्चन, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस आर सोन इन फिगर, फिगर गिवन है हमें बुक में। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे रूट 3 का वैल्यू हमें 1.73 गिवन है। ऐसे आपको ये याद रखना है कि रूट 3 का वैल्यू 1.73 होता है बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ये गिवन नहीं रहता है। नाउ ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे ये कोई राउंड टेबल है और उस पे ये इस टाइप से, जैसे ये हमारा सेंटर हो गया और ये रेडियस और ये कॉर्ड हुआ और ये कॉर्ड के बीच, ये कॉर्ड के साथ जो ये डिजाइन दी हुई है, हमें इस डिजाइन का रेट निकालना है। तो पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया आपको पता है ये एक सेगमेंट हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सर्कल का एरिया निकालिए और उसके बाद इसका सेक्टर का निकालिए। आप डायरेक्ट इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे आर हमारा गिवन है, आर इज 28 सेंटीमीटर और हमारा हम इसे पुट करेंगे और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिक्स इक्वल डिजाइन, तो सिक्स इक्वल डिजाइन है तो हमारा ये कितना, ये डिग्री, ये थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, बिकॉज ये हमने पढ़ा था कि 360 को अगर हम सिक्स इक्वल डिजाइन है डिजाइन तो ये डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू देंगे 60 डिग्री और ये हमें गिवन है 28 28। तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर थीटा पाई बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। यहां हम आर और थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो आर इज 28 का स्क्वायर और थीटा हमारा कितना है 60 इंटू, हमारे पाई का यहाँ वैल्यू नहीं गिवन है तो हम 22/7 दे सकते हैं, 360 इंटू 22/7 माइनस 1/2 और साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो हम यहाँ पुट करेंगे √3/2। नाउ सॉल्व इट, 28 इंटू 28 इज 784 और ये अंदर सॉल्व करते हैं हम तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 22 और भी ये कट सकता है 22, ये 3, ये 11, देयरफॉर 11/21 माइनस √3/4। अब हम ये √3 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1.73 और फिर इसे कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया सेगमेंट का 232.4
डिवाइडिंग थ्री, ये सॉल्यूशन मैंने पहले ही कर रखा था क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जा रही थी सॉल्व करने पे। नाउ ये हमारा एक ये सेगमेंट का आया, लेकिन वहां पे क्वेश्चन में बोला गया है ये एक सेगमेंट का है, क्वेश्चन में बोला गया हमें सिक्स, देयरफॉर हम इसे सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिक्स डिजाइन का हमें निकालना है तो सिक्स इंटू टू थ्री 2.4/3। नाउ इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये कट जाएगा, आंसर हमारा आएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ ये कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 0.35 रुपीस लग रहा है, तो हम ये क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया उसको हम उस 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा कॉस्ट निकल जाएगा। देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 464.8 इंटू 0.35 इज इक्वल टू रुपीज 162.68। हेयर इज द आंसर। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट टिक द करेक्ट आंसर, ये हमारे पास एक एमसीक्यू दिया हुआ है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी, मीन्स यहाँ थीटा का वैल्यू दिया हुआ है पी, और ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर, और आर की वैल्यू हमें दी हुई है कैपिटल आर, तो हमसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ एरिया की बात हो रही है इसलिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2πr है। अब बी और डी में हम पहले पुट करते हैं, थीटा का वैल्यू हमारा पी है बाय 360 इंटू पाई और आर के जगह पे ये, तो हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे 720 और यहाँ 180 दिया हुआ है, बट हमारा 360 आ रहा है। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं तो ये 2 कट भी जाएगा और हमारा यहाँ पे आंसर भी आ जा रहा है क्या, पी 360 इंटू 2 इज 720 और यहाँ पे 2πr², देयरफॉर द आंसर इज डी। यहाँ हमारा एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको 12.3 के सम बताऊंगी। ऐसे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।